समझो लाइन ऑफ इंपैक्ट को, क्योंकि हमेशा ई की इक्वेशन किसके अलोंग लगती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। अब तुम्हें पता ही नहीं लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, जब नॉर्मल फोर्स जहां एक्ट करेगा तब वो वाला क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। लाइन ऑफ मोशन अलग चीज है, लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग है। अलग बात है कि हेड ऑन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देखते हैं, ये लेक्चर 9 है, 8 होगा। उत्तरी पहली बार ऐसा हुआ। चलो चलो, बाउंसिंग ऑफ बॉल, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और बॉलिस्टिक पेंडुलम। बिल्कुल समय नहीं है भाई। अगली क्लास सिर्फ सेंटर ऑफ मास की और लास्ट क्लास होगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ये बहुत हो गया, ये इसमें टाइम नहीं बचता है, बार बार अपन ये नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ता जा रहा है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। देखिए जरा, वेरी हैवी ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। खटाक से बताइए, ई की वैल्यू गिवन है क्या, कोई जरूरत नहीं, जल्दी कीजिए, बता दीजिए आंसर जल्दी से। ई की वैल्यू 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जल्दी बताइए। दोनों की बतानी है, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, मतलब दोनों का बताना है आपको आफ्टर कोलिजन। E बराबर 1, जल्दी से। क्या है आंसर, E बराबर फॉर्मूला क्या होता था, V2 माइनस अपॉन में U1 माइनस U2, ये 1 है, मतलब दोनों को बराबर कर दो, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। बुद्धि चलाइए, सुनिए यहां पर क्या यूज करना है, जब भी कभी आपको जीवन में आपसे मास इज गिवन नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखा हो वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, या बहुत बहुत बड़ा मास दे दे और ये बहुत छोटा दे दे, तो ध्यान सुनिएगा, जब ये आएगा इसे टक्कर मारेगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, टकराने से पहले और टकराने के बाद, ना ही वेलोसिटी में चेंज नहीं आने का मतलब है, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और ना ही डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये गेंडा ऐसे ही चलता रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। फिर से सुनिएगा, जब भी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट हो तो आप ध्यान रखिए, चलो U1 बताओ, U1 कितना है 10, U2 बताओ 2 नहीं माइनस का 2, क्योंकि मेन सिचुएशन याद करो, U1 U2 दोनों सेम डायरेक्शन में से जा रहे थे, ये पलट के जा रहा है, ठीक है भाई। चल V1 बता, बताना है मुझे भी, ठीक है वो बताना है, लेकिन V2 बता, वो हमें पता है क्या रहेगा, माइनस का 2 बोलोगे तो रख दो यहाँ पर, U1 कितना है 10 माइनस ऑफ माइनस 2, V2 माइनस का 2, V1 पता करना है, खटाक्स 12 इधर गया तो कितना गया, V1 माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि फाइनली क्या होने वाला है कि छुटकू जो है 2 kg वाला, इधर कितने से 14 से, और ये तो वैसे जैसे जा रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भैया। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी 14, और इसकी कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। तो जब भी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट रहे तो इसका ध्यान रखिएगा, बाउंसिंग ऑफ बॉल। अब जरा बात को समझिएगा, मान लो कि यहां से यहां कितना हाइट है h, टप्पा खाते वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ v है, बोलो टप्पा खाने के बाद क्या ये ऐसे जाएगा, बोलो भाई फिर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर कैसे जाएगा, फिर धीरे धीरे इस तरीके से क्या हो सकता है, कम होगा और फाइनली क्या हो जाएगी, रुक जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि E की वैल्यू क्या है, क्योंकि E इक्वल टू 1 हुआ तो ये तो जीवन भर फिर चलता रहेगा और सेम हाइट तक जाएगा, अगर E इक्वल टू क्या हुआ 1। अभी हमने क्या कंसिडर किया है, जनरल वैल्यू E, तो उसके टर्म्स में लिखना है। खूब सवाल आते हैं, ध्यान सुनिएगा,
वहाँ प्रूव करने के चक्कर में रहोगे, समय बर्बाद हो जाएगा, बुद्धि चमकाइए और याद तो आपको रहना ही पड़ेगा। जरा ध्यान सुनिएगा, पहली चीज, अगर हमने इसको एच माना है, ये जनरल याद कीजिए, ये याद नहीं होगा तो फिर तुम गलती करोगे। आगे कैसे गलती करोगे अभी मैं आपको बता दूंगा। टप्पा खाते वक्त जब ये टकराएगा तो इसकी रफ्तार अब क्या मान लिया, वी वन। अब ये पता है कि ये वी वन ई टाइम्स क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी वन ई टाइम्स क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? फिर ऐसे ही टप्पा खाते वक्त वी टू, सॉरी, फिर ऐसे ही टप्पा खाते वक्त क्या होगा, वी टू। बताओ वी वन क्या हो जाएगा, ई टाइम्स वी, वी टू बताओ ई स्क्वायर टाइम्स वी, क्योंकि अब जो ये वी वन ई वी से आएगा, किससे आएगा, फिर से उसमें कितना मल्टीप्लाई होकर जाएगा, ई। फिर अब आएगा ई वी स्क्वायर से, फिर से कितना मल्टीप्लाई होकर जाएगा, ई क्यूब इंटू वी। सोचो वेलोसिटी इमिडिएटली आफ्टर एन एथ रिबाउंड, तुम बताओ फॉर्मूला क्या बन जाए, ई की पावर एन इंटू वी, खत्म। पहला फॉर्मूला, हर बार क्या मल्टीप्लाई होता जाएगा, ई। बोलो, पहली बार टप्पा खाएगा तो ई टाइम्स वी, दूसरी बार ई स्क्वायर टाइम्स वी, तीसरी बार ई क्यूब, ऐसे एन रिबाउंड के बाद ई की पावर एन इंटू वी, वेर वी इज वॉट, रूट टू जी एच। सोचो सोचो, एच हाइट से नीचे गिरा है तो वी कितना होगा, रूट टू जी एच। नाउ हाइट अटेंड बाय बॉल आफ्टर एन एथ रिबाउंड, कौन बताएगा, एच एन, ये वी एन का फॉर्मूला है, ऐसे ही एच एन का फॉर्मूला क्या होगा, e टू दी पावर टू एन इंटू एच। चेक करो, जब ये यहां पर जाएगा एच वन, वो आया चला गया यार, अरे आई और चली गई, मेरा थोड़ा डोला रे डोला है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, ना तो सही से बिहार में रह पाए, ना ही राजस्थान में, अब कहाँ रह रहे, एमपी में, दस 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 साल, नहीं दस साल कोटा में नहीं, तीन साल कोटा में, तो सब मिक्स मैक्स हो गया। यहाँ आए तो यहाँ पता चला मोरेना भी है, भिंड भी है, बगल बगल में ही भाषा चेंज हो रहा है। हमारे वहाँ तो सीधा पटना साइड भोजपुरी, हमारे साइड अंगिका भाषा चलता है, तो बहुत दूर है, उधर जाते नहीं, यहाँ तो भिंड मोरेना सब है वैसा। कर काय कर रहा हो काय, चलिए एच एन का फॉर्मूला बताइए, ई की पावर क्या लिख देंगे, टू एन इंटू एच, तुम तो सीधा याद कर लो, अब तुम्हें क्या ही बताओ। देख लीजिए, सबसे पहला है बाउंसिंग ऑफ बॉल में क्या क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी इमिडिएटली आफ्टर एन एथ रिबाउंड, हाइट अटेंड बाय बॉल आफ्टर एन एथ रिबाउंड। अगर पांचवा पूछेगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा, पांच इंटू वी, वी क्या लिखेंगे, रूट टू जी एच, एच दे देगा 20 मीटर, तो ऊपर से ड्रॉप करने का केस है भैया, ध्यान रखिएगा, ये तभी है जब यहाँ ऊपर से क्या किए हो, ड्रॉप, तब ये कहानी बढ़, ठीक है भाई आगे चलते हैं। टाइम टेकन इन एन एथ रिबाउंड, टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है बेटा, हम्पुन बता देता है आपको, हर बार सोचो, बताओ कौन बताएगा, ये वाला तो सोच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर से नीचे गिरने में टाइम कितना लगा, टी, कितना लगा, टी, टी को लिखेंगे अंडर रूट टू एच बाय जी। अब उसके बाद जो होगा टाइम पूरा यहां से यहां तक जाएगा, इसमें कितना लोगे समय, इसको प्रूव करना पड़ेगा यार, आपके मॉड्यूल में सारा प्रूफ गिवन है, चेक कर लेना तुम, आपके मॉड्यूल में सारा प्रूफ है, वैसे कोई मतलब नहीं है। ई की पावर इंटू एन इंटू टी, टी को यहां पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट टू एच बाय जी, अंडर रूट टू एच बाय जी, ध्यान रखिएगा टाइम हो जाएगा अंडर रूट टू एच बाय जी। अच्छा टोटल टाइम कितना लगेगा, दो बातें सुनना, टप्पा खा के टाइम टेकन इन एनएथ रिबाउंड अलग बात है, ऐसे एनएथ रिबाउंड होके लास्ट तक टोटल टाइम भी काउंट हो सकता है, तो टोटल टाइम भी आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, टोटल टाइम टेकन, वो भी मैं लिख देता हूं, इसको आप और क्या लिख सकते हो बताना,
ई की पावर एन अंडर रूट टू एच बाय टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला सुनिए कैपिटल टी का। कितना याद करेंगे बच्चे यार। और कोई उपाय नहीं है बेटा, याद ही करने पड़ेंगे। ये सिर्फ nth रिबाउंड में सोचो, ये वो है पूरा लास्ट तक रुकने तक का, जब रुक जाएगा वो। और ये कितना है सिर्फ nth रिबाउंड में, कितना समय लगेगा पांचवे में, छठवे में, दूसरे में, तीसरे में, कितना समय जो। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। एस का फॉर्मूला है एच इंटू वन प्लस ई स्क्वायर माइनस वन माइनस ई स्क्वायर, वन प्लस ई स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। एवरेज स्पीड रूट जी एच बाय टू, वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ई का होल स्क्वायर ये पूरा फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, क्योंकि वही होता है। अच्छा गलत लग रहा है, मॉड्यूल निकाल के एक बार चेक कर लो, हो सकता है मॉड्यूल है किसी पास सेंटर ऑफ मास, निकाल के देख लीजिए भैया कोई फॉर्मूला गलत हो बता दो, वरना खुशबू मुझे छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा आपसे अगर ये वाला तो हर बच्चा जवाब दे सकता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। ये देखो, ये देखो पूरे रुकने तक में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचो, इतना समय लग गया सोचने में, क्या होगा एच होगा, क्योंकि ये जितना ऊपर उतना ही नीचे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हर टप्पे में तो जीरो हो गया, सिर्फ कितना बचा एक्स्ट्रा एच, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एच। सही है, सही है खुशबू, सही है खुशबू। चलो चले आगे, सवाल आएगा फॉर्मूले जिसको देखना है देख लो, तुम बोलोगे तो हम पीछे भी कर देंगे फॉर्मूले। ये लो सवाल कीजिए, सवाल अभी ऐसे करके छोड़ा गया था, सवाल पढ़ लीजिए शुरुआत से। एक काम करो, एक मिनट रुको, तुम्हें पहले ओले ले बाबू कर दूं मैं। ये लो पहले खुश हो जाओ, तुम पहले खुश हो जाओ, पहला पार्ट बताओ जल्दी से। अ बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम 20 meter हाइट, बिल्कुल सेम समझ गया ना, उस पर फॉर्मूला भेज दिया है। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन, ताकि आपको समझ आए, वी एन बराबर ई की पावर एन इन टू वी, तो पहले वी निकाल लोगे, e की पावर 2 अंडर रूट 2 जी एच, बोलो h की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, 20 दंग 200 दूने 400, e की वैल्यू नहीं गिवन है क्या 0.5, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर इनटू ये कितना आया था 20, तो कितना आ गया
फाइव मिनट, कितने रिबाउंड के बाद सेकंड, दूसरा पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर सेकंड कोलिजन, जल्दी से बता दो फॉर्मूला लगा के, अभी बताया चेन का फॉर्मूला, एच एन का फॉर्मूला, ई की पावर टू एन इंटू एच, एच कितना है 20, ई कितना है, कितना आ रहा भाई, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, 20/16, पांच चौके 20, चार चौके 16, 5/4, ये आएगा सेकंड कोलिजन के बाद। हाँ भाई, अगला है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट जी एच बाय टू, वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ई का होल स्क्वायर, अंडर रूट जी कितना है 10, हाइट कितना है 20 बटे 2, वन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, नीचे वन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, बताइए सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, रेशियो में ही बता देना, 200/200 का रूट 10, 1+1/4 5/4, 1+1/2 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है भाई, 50/9 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे सवाल आए तो तुम्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, और नीट में ऐसे ही आएंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, पलट करके देख लीजिएगा आप, PYQ में जो भी आए होंगे ऐसे ही टप्पा खाने वाले सीधा सीधा, लेकिन ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इस बार आपको रटा रटाया खेल नहीं, आपको पका पकाया हुआ इस बार मिलने वाला नहीं, इस बार जो करेगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, इस बार पका पकाया हुआ खेल नहीं है भैया, इस बार बुद्धि चलाओ है, आज की रात होना है क्या खोना है, ये यार ये चले सही हो जाती आ जाती है ना तो बहुत सुखी हो जाता ऐसा लगता, हाँ दूर दूर तक नहीं है, है? उसका नियरेस्ट इंटीजर भी लोगे ना तो 3 डिजिट में आंसर आ रहा है, चोमू सब कहीं के 3 डिजिट में आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर भी लोगे तो 3 डिजिट में आ रहा है, ये देखो इसको हट, इसको डिवाइड करके ले लो पूरा इंटीजर में कितना रहा है, 400/3, आज की रात,
मैं क्यों बताऊं? फोर हंड्रेड बाय, इसका मतलब हो गया ये 200 से ऊपर तो आ नहीं रहा, तो आंसर है 200 प्लस में। भाई मैं एक बार और आंसर देख लेता वरना गाली मुझे ही दे देंगे बच्चे। नहीं भैया 200 प्लस में आंसर आ रहा है। इस बार पैटर्न दिख रहा होगा भाई, जीपी बन रहा होगा ना। 213 आंसर है, नियरेस्ट इंटीजर में 213, एग्जैक्ट है 213.3, जीपी बन रहा होगा। फैल गए बुद्धि चलाने वाली जगह फैल गई है। देखिए ध्यान से, अब ये रटा रटा खेल है ही नहीं। अब सुनिए, वो तभी लगेगा जब कौन सा केस था, ड्रॉप वाला। अब आपने नीचे से कहाँ फेंका है, ऊपर, तो मान लो कोई हाइट कितना जाएगा एच, बोलो, फिर टप्पा खाएगा, तब जाके यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये खेलेगा। तो अब तुम यहाँ से लगा सकते हो एच वन बराबर क्या लगा सकते हो, ई की पावर 2n इंटू एच। एच टू बराबर क्या लगा सकते हो, ई की पावर, अभी एच एन का फॉर्मूला बताओ क्या था। तो H1 में यहाँ n की वैल्यू क्या लिखोगे, 1। H2 में यहाँ n की वैल्यू क्या लिखोगे, 2। ऐसे ही H3 में लिखोगे। अब सुनना पहले क्या कह रहा हूँ मैं, पहला क्या जाएगा, देखो H ऊपर गया, H नीचे आया, कितना हुआ 2H प्लस, ऐसे ही अब जुड़ता जाएगा 2H1, 2H2, 2H3 एंड सोन चलेगा। चेक कर लो, तो और ऊपर कितने से फेंके हो, 40 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके से चलेगा, और उसने कुछ बताया नहीं है, तो कहां तक जाएंगे, इनफिनिट तक जाएंगे। पहले इस बात को समझिए जो लाइन लिखा, अगर ये समझ गए फिर तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सेम ऐसे ही कहानी अगले वाले पार्ट में, अगला वाला भी तो सॉल्व करो। ये समझिए, तुमने बॉल को ऊपर फेंका तो कितना हाइट जाएगा 2h, अब जब टप्पा खाएगा तब e से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हाइट माना कितना गया h1, कितना गया, लेकिन h1 ऊपर जाने का और h1 नीचे आने का, तो टोटल डिस्टेंस तो बार बार क्या करोगे, ऐड करोगे। टोटल क्या पूछा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो जितना चलेंगे सारे कैलकुलेट करेंगे। तो h 2h, अगली बार 2h1, अगली बार 2h2, 2h3 एंड सो ऑन। अब ये 2h में तो e का कोई रोल नहीं है क्योंकि तुमने कहां फेंका है, ऊपर। टप्पा कब खाएगा h1 में, जो ये h1 होगा तब यहां टप्पा खाएगा, पलट के e का रोल आएगा। अब बताओ hn का फॉर्मूला क्या था, e की पावर 2n इंटू एच, तो h1 लिखेंगे तो n की वैल्यू यहां क्या लिखोगे, 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 इंटू एच। बोलो, और यहां पर बताओ एच टू में क्या लिखोगे n की वैल्यू, 2, तो बनेगा e की पावर 4 इंटू एच। देखना जरा, 2h प्लस 2, h1 कितना बना, e की पावर 2 इंटू एच। h3 बताओ, 2h2 कितना बना, 2h2, 2 इंटू e की पावर 4 इंटू एच। तुम समझ गए होगे क्या होने वाला है, क्या कॉमन ले लू, 2h, 2h क्या ले लू कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4, कहां तक, इन्फिनिटी तक। खत्म हो गया सवाल, 2h क्या है, ये जीपी है। बताओ एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या होता था, ए अपॉन में 1 माइनस आर, कितना दूसरे का आर, बताओ यहां कॉमन देखना, आधे तो यही मर जाएंगे, कॉमन रेशियो बताना क्या है यहां पर, ई स्क्वायर, क्या है ई स्क्वायर, हर बार क्या मल्टीप्लाई करें कि अगला टर्म आ जाए, तो ई स्क्वायर। तो बस खत्म हो गया, अब 2h इंटू ए कितना है, 1 अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब रख दीजिए वैल्यू, h निकाल लेंगे, h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर बाय 2g, बोलो,
तो ये h का फॉर्मूला क्या लिखोगे, u y स्क्वायर बाय 2g। u y कितना है रे, 40 गुने 40 बटे 2 गुने 10 चक्क चक्क 80। तो ये h की जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू 80। e की वैल्यू कितना गिवन है, 1/2, तो कितना हो गया, 1 माइनस 1 बाय 4 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा 4/3। देख लो, 80 दूने 160, 16 चौके 64, तो 640/3 कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना, 213.3 मीटर, ये आंसर। अब फॉर्मूला काम नहीं आएगा अगर ऐसा केस हुआ तो, बाकी आप में नीट वाले जो बच्चे हैं आप में वही आएगा, लेकिन मैंने एक ऐसा करा दिया कि भाई देख वैसे नहीं आएगा, ठीक है ओके। अभी एक पार्ट निकाले हो तुम क्या डिस्टेंस, आगे देखो क्या पूछा है, एंड टाइम टेकन, अगला पार्ट भी निकालना है भैया, थकना मना है, अगला पार्ट बताइए टाइम 16। काश आपकी, आपके हिसाब से नीट दे दे सब कुछ। चलिए टोटल टाइम, जी हाँ 16 ही है टोटल टाइम, बताइए पहला अगर आप मानोगे टी क्या मानोगे, तो दूसरा मानोगे 2 टाइम्स क्या T1, फिर उसका 2 टाइम्स T2, बात वही होगी। सुन लीजिए, पहला T जाने का आने का तो कितना हो गया 2T प्लस क्या मान लोगे 2T1 प्लस 2T2, अब तो समझ गए होगे। चलो बताओ T1 की वैल्यू बताओ, TN का फॉर्मूला e की पावर, TN का क्या था बेटा फॉर्मूला, हाँ e की पावर n इंटू टी, तो T1 बताओ कितना हो गया e इंटू टी, T2 कितना हो गया e स्क्वायर इंटू टी, तो इसमें जो कॉमन आएगा पहले लिखो 2t प्लस 2 इंटू T1 कितना रे e इंटू टी, T2 कितना रे e स्क्वायर इंटू टी प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या कॉमन ले लूं 2t 1 प्लस ही प्लस e स्क्वायर एंड शॉन इन्फिनिटी, फिर से s इन्फिनाइट a अपॉन में 1 माइनस r, इस बार r बताओ e, कॉमन रेशियो कितना है e, खत्म हो गया। t की वैल्यू बता दे भैया, अंडर रूट 2h/g 2u/g 2u/g, तो टाइम का जो आएगा 2uy/g, गुड गुड, वही तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही। अब ऐसे लिख देंगे तो ये पाप हो जाएगा, क्योंकि हमने t सिर्फ कहां का माना है, ऊपर जाने का, तो uy/g क्या लेंगे ओके 40/10 कितना आ गया, अच्छा तो ये हो गया e की वैल्यू कितना है 1/2 1 माइनस 1/2 3/2 2/3, मैं भी पगला गया हूं क्या, 1 माइनस 1/2 1/2 2 ऊपर 4 दुने 8 दुने 16, टोटल टाइम कितना हो गया 16। कुछ बच्चे तो ऐसे गुस्सा, 1/2 क्यों बबली, बीच बीच में बबली गोला दे देती है आजकल, कहां भाग जाती हो, आई थी तो बिल्कुल एकदम पढ़ती थी एकदम ऐसा कि भाई साहब हाँ सर जी इस बार देख लेना, लेकिन कहते हैं ना जब ड्रॉपर आता है
तो आग लेकर आता है, चिंगारी भी नहीं बचती है। तो धीरे धीरे वो चिंगारी जो है आग ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। चलो अभी टेस्ट सीरीज चालू होगा, फिर देखेंगे, सबके पुर्जे जो हैं सब खुल जाएंगे टेस्ट सीरीज में, सबकी असलियत सबके सामने आ जाएंगे। तुम क्या पढ़ रहे हो, अब तो सिलेबस भी हो गया है, आप कितना पीछे का खुद से रिवीजन कर पा रहे हो, ये भी आपको टेस्ट सीरीज में दिख जाएगा, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। कोलिजन, कितना टाइम हो रहा है भाई? यार एक एसी ऑन कर दो यार, गर्मी लग रही बेटा। चलिए कोलिजन देखिए, ए खेल रहे हैं इसी से, हद है यार। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन? और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस। बताओ डायरेक्शन के बेसिस पे कौन कौन से? मॉड्यूल खोल के बैठ जाओ तो ठीक, हेड ऑन और ऑब्लिक। भैया ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा वरना दिक्कत आएगा, पहले बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि कोलिजन में ये लास्ट टॉपिक है। हेलो, इस पूरे सेंटर ऑफ मास का ये लास्ट टॉपिक होता है कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया, लास्ट टॉपिक क्या है? कोलिजन। तो कोलिजन में इतने सारे कोलिजन है कि बच्चे का दिमाग ही खराब हो जाता है, कैसे वो अभी आपको पता चल जाएगा। हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, बताइए हेड ऑन को ही क्या बोलते हैं? वन डी कोलिजन, देखते रहिए, इसी को क्या बोलेंगे? वन डी कोलिजन। और ऑब्लिक को 2D। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस, तीन, एक दो और तीन, कौन कौन से? इलास्टिक, प्लास्टिक नहीं, हम ऐसे बात नहीं करेंगे। अगर परफेक्टली बोलेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1। सॉरी, हाँ परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब मुझे मन करा है मैं गांव निकल जाऊं, मैं रोज ऐसे दिन काट रहा हूँ, अब चला जाऊंगा, लेकिन कैसे निकल जाऊं? गाड़ी नहीं दे रहा साला, वो परेशान करके रख दिया है। ट्रेन से एक तो टिकट नहीं है, अब बिहार जाते जाते मेरा मुंह उधर टूट जाएगा कहीं बीच में। तुम गए हो कभी दीपावली में? देखना भैया, ट्रेन ही पहुंच जाए बिहार तो बहुत बड़ी बात है। देखो E बराबर क्या लेंगे? 1। तुम लोग आना है ना कभी हमारे साइड, मेरे घर से 2 घंटे दूरी पर नेपाल है। देखो नेपाल में सोने सस्ते मिलते हैं, गोल्ड, तो वहां से जाना, गोल्ड उठा के इधर लेते आना। उठाना मतलब लूटना नहीं है, खरीद कर वहां सस्ता, मतलब क्या बोला बे? अब तुम चोर प्रवृत्ति के, तुम्हें चोरी ही समझ आएगा, डकैती साला।
देखो आप शादी करोगे तो हमारा आना होगा, सही बात। हाँ क्या पता ग्वालियर में ही शादी हो जाए, सही बात। मेरी बीवी पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी अभी पता नहीं। कल क्या कर रही थी? अच्छा करवा चौथ मना रही थी। चलो इधर आ जा। सुनो हट, खाली फालतू बात करने में तब देखो। वैसे एक बात तो है यार, दम है तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके दिखाओ, दूसरों की वो एक है ना कौन से अलग सर शायद बोलते हैं, उनकी एक रील्स वायरल हुई थी। देखो इधर चलो, देखो अब बंद करते हैं यहीं पर, नहीं तो ये चलता जाएगा। मैं इसके, मुझे इस पर एक्सपर्टाइज बहुत है, ध्यान से ये सब बातें मुझसे मत क्या करो। देखिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हेड ऑन कोलिजन, अ कोलिजन इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। देखिए जरा इसको, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी, इसको बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। अब जैसे ही ये दोनों आएंगे क्या होगा, कोलिजन होगा दोनों में। अगर कोलिजन हुआ तो इन पर एक दूसरे पे क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, बोलो भैया। और यहां पर इंपैक्ट किस, कौन से फोर्स से शो करोगे, नॉर्मल फोर्स से। कौन से फोर्स से, तो ये इस पे नॉर्मल किधर देंगे, इधर लगेगा नॉर्मल, और ये इस पे किधर देगा नॉर्मल, इधर। ये जो लाइन होगा इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, जो फोर्स लगेगा ना ये नॉर्मल जिस लाइन में हुआ इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये वाला कहलाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, एल ओ आई। अगर आपका एल ओ एम बोले तो लाइन ऑफ मोशन, जैसे आ रहा था, टकराने के बाद जब टकराएगा तो उसका लाइन ऑफ इंपैक्ट भी क्या हो, सेम हो, तो उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। चेक करो क्या ये ऐसे आएगा, क्या ऐसे ही टकराएगा, बोलो। और बॉल टकराने के बाद कहां जाएगी, ऊपर, कुछ तो बोलो यार। तो यही इसका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इसको ऐसे ही मिलेगा, तो लाइन ऑफ मोशन, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में था, इंपैक्ट भी क्या है उसी डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ मोशन ही किसके बराबर है यहां पर, लाइन ऑफ इंपैक्ट, दोनों बराबर है। या फिर ऐसे सोचो, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तो ये कौन सा होगा, हेड ऑन कोलिजन। अब चेक करो इसका लाइन ऑफ मोशन, देखो इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन है कि नहीं। इस वाले का लाइन ऑफ मोशन देखो, इस वाले का, इस वाले का ये है लाइन ऑफ मोशन। यहां दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या था, सेम। अब ये लाइन ऑफ मोशन क्या है, अलग अलग। बताओ जब ये एक दूसरे से मीट करेंगे, मीट मतलब कोलिजन जब होगा, क्या ऐसे ही तो होगा कोलिजन, चेक करो नॉर्मल, बताओ कैसे देगा एक दूसरे को, नाउ दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ये वाला क्या था, लाइन ऑफ मोशन। नाउ लाइन ऑफ इंपैक्ट इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन, ऐसे को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। या फिर आप ऐसे बोलो, कोलिजन इन विच द पार्टिकल्स मूव अलोंग द सेम प्लेन, प्लेन में गया मतलब 2D है, प्लेन जैसे बोल दिया क्या है 2D है, एट डिफरेंट एंगल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अब इसको चेक करो, ये ऐसे आया, ये इसका है लाइन ऑफ मोशन, और ये इसका लाइन ऑफ मोशन।
लेकिन बताओ जब ये नीचे टप्पा खाएगा तो नॉर्मल कैसे लगेगा? इस पर ऊपर देगा, ये इसका क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये कहलाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ये कहलाएगा लाइन ऑफ मोशन। फिर से लाइन ऑफ मोशन नॉट इक्वल्स टू क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। समझो लाइन ऑफ इंपैक्ट को, क्योंकि हमेशा ई की इक्वेशन किसके अलोंग लगती है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के लोग। अब तुम्हें पता ही नहीं लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, जब नॉर्मल फोर्स जहां एक्ट करेगा तब वो वाला क्या होगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। लाइन ऑफ मोशन अलग चीज है, लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग है। अलग बात है कि हेड ऑन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। बोलिए सही है क्या? आगे हमने उसके बाद आपको किस पर बताया? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला बताओ कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन सेट टू बी इलास्टिक। ध्यान से, इफ टोटल काइनेटिक, सुनना सुनना बच्चा क्या करेगा, सुनिएगा ध्यान से, अंतर है भाई। कैसे? टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों में अंतर है। कंफ्यूज, आगे चल के बोलूंगा। चाहे कैसा भी कोलिजन हो, चाहे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। क्या हमेशा कंजर्व नहीं होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक में कंजर्व होगा, इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं होगा। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। टोटल, देखो अंतर है, फिर से कह रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों में अंतर है। गलती कर देते हम, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आया टोटल एनर्जी, अच्छा इसमें तो कंजर्व, भैया टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, इनिशियल और आफ्टर, हमेशा फाइनल। इनिशियल किसके बराबर होगा? फाइनल के बराबर। लेकिन क्या कंजर्व नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए क्या बोल रहा हूं? इस बात का ध्यान रखना। तो लेकिन तो जब भी हम इसको बेस इस पर किए हैं, तो हम ये जो किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस, विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे, क्योंकि टोटल एनर्जी में कोई लॉस नहीं होने वाला, वो तो इनिशियल और फाइनल क्या होने वाला है? बराबर होने वाला। इस बात का समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली, ध्यान रखिएगा इस बात का, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा हमेशा। इसलिए वो यहां पर किसकी चर्चा कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका बिफोर और आफ्टर क्या रहा? सेम, बोले तो के इनिशियल बराबर के फाइनल, तब आप जाके क्या बोलोगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। और ये ऐसे कौन से में होगा? इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में अ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन डज नॉट रिमेन सेम। हो सकता है फाइनल ज्यादा हो जाए किससे? इनिशियल से। हो सकता है इनिशियल ज्यादा हो जाए किससे? फाइनल से। तो हमें बस इतना पता है कि के इनिशियल विल बी नॉट इक्वल टू के फाइनल। लास्ट पढ़ो। अब गया जाके चिपक गया, गया और जाके चिपक गया, तो अब बताओ कैसा हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओए एक बात सुनना, ये परफेक्टली इलास्टिक और ये परफेक्टली क्या है? अगर सिंपल कहीं इलास्टिक बोला जाए तो आप ये समझोगे, या ये भी हो सकता है? इलास्टिक बोले तो क्या समझोगे? परफेक्टली बोलो। चलो अभी सवाल के थ्रू आपको समझा देंगे। सवाल के थ्रू अभी समझा दें। लास्ट वाली केस में देखो, ये परफेक्टली इलास्टिक कैसा है? कोलिजन। यहां तो पक्का पता चल गया है, गया जाके टक्कर मारा और चिपक गया, काइनेटिक एनर्जी पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या कह रहा है? ओ कोलिजन इन विच इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स गेट स्टिक टूगेदर आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड। और देखो इस वक्त, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन लॉस इन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। इनिशियली था, गया टक्कर खाया चिपक गया, उसका खुद का वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। और जो उसके साथ होगा, जो उसका होगा उसी के साथ वो चल रहा होगा, तो इस वक्त लॉस सबसे क्या होता है? मैक्सिमम। किस वक्त? परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में। तो पूछा भी जाएगा, बताओ किस वक्त लॉस सबसे ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम।
अब कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और चलिए आपको लेकर चलते हैं अगली दुनिया में। उसके बाद फिर सवाल पर सवाल आएंगे। ये तो बकवास है, ऐसे ही कोई मतलब नहीं है। डिफॉर्मेशन पीरियड होता है द टाइम जिसमें डिफॉर्मेशन हुआ, और रेस्टिट्यूशन पीरियड को बोलते हैं वह टाइम जिसमें रिगेन किया है, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन पीरियड। यहाँ से कहानी सुनिए। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन बोल रहे हैं? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक या इनइलास्टिक है? हेड ऑन इनइलास्टिक है, ध्यान रखिएगा, इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए, आया U1 से, U2 से, दोनों में क्या हुआ? टक्कर हुआ। ये इस वक्त नॉर्मल इसको देगा और ये इस वक्त नॉर्मल इसको देगा। टकराने के बाद उसका रफ्तार कितना हो गया? V2, और इसका कितना हो गया? V1। बोलो सही है। पहले बताओ, टकराने से पहले और टकराने के बाद, यहां तो आप क्या मान के चल रहे हो अभी? U1 ग्रेटर देन क्या है? U2। यहां V2 ग्रेटर देन क्या मान के चल रहे हैं? V1। ये जस्ट बिफोर क्या है? JBC, और ये है JAC। जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये वाला है ड्यूरिंग कोलिजन। देखिए क्या क्या सवाल आपसे, जब इस पर सवाल आएंगे तो आपको क्या क्या इक्वेशन से आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला चीज P इनिशियल बराबर क्या होगा? P फाइनल। मोमेंटम क्या करेंगे? कंजर्व। और हमेशा जेबीसी में और जेएसी में, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। बताओ मोमेंटम क्या क्या लिखोगे जस्ट बिफोर कोलिजन? लिखो M1 U1 प्लस M1 M2। बताओ क्या लिख दोगे? M1 U1 प्लस M2 U2। डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में है सब, तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलो भाई, M1 V1 प्लस M2 V2। ये इक्वेशन होगी किसकी? पहली बात ये याद करने वाली। दूसरी बात, कैसा कोलिजन है ये? इनइलास्टिक है। तो बताओ, शुरुआत में एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। बाद में क्या होगा? लॉस होगा। तो के इनिशियल यहां पर क्या होगा? ग्रेटर देन के फाइनल। तीसरी बात, नेट फोर्स बताओ क्या है? जीरो। तभी तो क्या कंजर्व कर रहे हैं? मोमेंटम। और ई की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? ई की इक्वेशन ई बराबर V2 - U1 - U2। ये चार इक्वेशन से ही सवाल सॉल्व होंगे। ये तो हो ही चुका कि नेट फोर्स जीरो है, तभी क्या कंजर्व है? मोमेंटम। और एक इक्वेशन आप ये लिखोगे E = V2 - V1/U। इन्हीं दोनों से काम हो जाता है हर चीज में, एक मोमेंटम से और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये दो इक्वेशन बहुत काम के, ध्यान सुन लीजिएगा, मैं पहले बता दूं। मोस्टली कोलिजन के सवाल इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे। सवाल आपको देखने को मिलेगा आगे, चिंता मत करो। चलिए, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं, प्रूव करूंगा नहीं, और इसको इक्वेशन क्या मान रहा हूं? सवाल कैसे पूछे जाएंगे बताओ? V2 और V1 टकराने के बाद, सुन लो रे, जो जेई वाले बच्चे हैं, आपन फॉर्मूला नहीं रटते हैं, आपन यही दो इक्वेशन लिखते हैं और इससे हमेशा सॉल्व करते हैं। लेकिन नीट वाले, तुम्हारे लिए रफ्तार तेज में करना है तो या तो दोनों इक्वेशन लिख के खटाक से वहां से भी जल्दी आ सकता है, लेकिन बहुत बार फॉर्मूले से डायरेक्ट आपके पास आंसर मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पीछे अभी क्या लिखा था? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ गया ना कौन कौन से दो इक्वेशन थे?
एक मोमेंटम कंजर्वेशन का और, तो बस। तो बताइए V1 का जो फॉर्मूला लिखते हैं भाई साहब, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है इसको, लेकिन याद करने का एक पैटर्न है, शायद नीट वाले याद कर रखे होंगे। याद है क्या? छोड़ो, तुम भी तो मेरे ही जैसे हो। M1 माइनस EM2 इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, U1 और 1 प्लस EM2 U2। चेक कर लेना एक बार, और नीचे M1 प्लस M2। भाई ये फॉर्मूला कौन याद रखेगा, मुझे नहीं। अपने पास तो दो इक्वेशन जिंदा होता है, कौन कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का इक्वेशन, उसी से सॉल्व करके आते हैं। अब इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V2 का फॉर्मूला, गुड, M2 माइनस इंटू U2 बस एक याद करना होता है, उसके दूसरा हो जाता है। चलो वैसे मैं नीट वालों को बोलूंगा कि आपको याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चार चीज उधर बताया था, 5, 6, एक लास्ट और, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा जो जो पूछा जा सकता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, पता है क्या क्या होता है बताओ? हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 वी U1 माइनस U2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस E का स्क्वायर, U1 माइनस U2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, क्या है U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू, ये है भाई कोलिजन में याद तो करने पड़ेंगे, ये वाला याद कर लो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इसका ये फायदा होता है। पहले बता दो, सामने सवाल रख रहा हूं खटाखट, एक सवाल तो, कितना टाइम हो गया, हो गया क्या, अच्छा हो गया, चलो ठीक है अगली क्लास में कर लेंगे। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत कर दें।